मेष राशि, भाग्य भाव में चंद्रमा बिगड़े कार्य बनाएगा, आर्थिक लाभ देगा, साथ ही साथ परिवार में आनंद का माहौल भी देगा। यात्रा के भी अच्छे संयोग दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अनावश्यक वस्तुओं का आज खरीदारी बिल्कुल न करें। किसी पुजारी को यदि धार्मिक पुस्तक ध्यान दे सके तो अत्यंत लाभ देगा। सिंह राशि के सभी जातकों के लिए मंगल की शुभ अवस्था जहां कार्य के प्रति समर्पण पैदा करेगी, वहीं भूमि और वाहन का लाभ भी देगी। आपके पूर्व के निवेश का आज बड़ा अच्छा लाभ दिखाई देता है। बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें। उच्चाधिकारी अथवा राजनीतिक व्यक्ति से विवाद बिल्कुल न करें। सावधानी, आज क्रोध पर पूर्णतः नियंत्रण रखेंगे, अन्यथा नकारात्मक परिणाम मिलेगा। भगवान सूर्य को रोली मिले हुए जल से अर्घ अवश्य लें। धनु राशि के सभी जातकों के लिए राशि पर परिक्रमण कर रहा चंद्रमा आज का दिन मौज मस्ती की तरफ बिताने के लिए प्रेरित करेगा। अपने व्यवसाय एवं नौकरी की तरफ ध्यान रखें। सहकर्मियों से अच्छा सहयोग मिलेगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे, नए कार्य का प्रारंभ भी होगा, लेकिन अनावश्यक कार्य में अपना समय बिल्कुल न गवाएं। आज उपाय के तौर पर नोट करें, भगवान शिव शंकर को जलाभिषेक करें। समय नोएडा से रविंद्र जी फोन लाइन पर हैं। बहुत स्वागत है आपका रविंद्र जी। डिटेल्स बताइए, जन्म की तारीख क्या है आपकी? 1190। 1190 यानी कि 1 जनवरी। हाँ जी जी, 1 जनवरी 90। जन्म का समय क्या है? 2:30 बजे। दोपहर 2:30 बजे रात्रि या फिर दोपहर का? दोपहर। ठीक है, और जन्म का समय स्थान बताइए। स्थान यूपी। जन्म का किस शहर में जन्म हुआ है रविंद्र जी? अमरगढ़, बुलंदशहर। बुलंदशहर, ठीक है। क्या जानना चाहते हैं, सवाल बताइए। मैं जानना चाहता हूँ कि परेशानी ज्यादा आ रही है ना, तो हम पे बचाया जा रहा है कुछ भी, कमाते हैं सारा खर्च हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपका जन्म वृषभ लग्न में हुआ है और वृषभ लग्न का अधिपति शुक्र नामक ग्रह आपकी जन्म कुंडली में भाग्य के स्थान पर राहु से पापाक्रांति मिलती हुई दिखाई दे रही है। माता और जीवन साथी से विशेष सहयोग भी आज मिलेगा। आर्थिक क्षेत्र में लाभ मिलने के साथ साथ इन्हें यात्रा का भी सुख मिलेगा। आज अपने बजट से अधिक खर्चा बिल्कुल मत करें और घर से निकलने के पहले मलयागिरी का चंदन मस्तक पर अवश्य लगाएं।